प्रस्तावित नागचला मनाली फूल यार विस्थापित और प्रभावित अब आंदोलन की तैयारी में है। चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर फूल यार विस्थापित और प्रभावित 23 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जिला कुल्लू के भुंतर के हाथीथान में प्रस्तावित नागचला मनाली फोर लेन प्रभावित और विस्थापितों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों और बागवानों ने भूमि का उचित मुआवजा न मिलने पर रोष प्रकट किया। लोगों को डर है कि कहीं उनकी उपजाऊ भूमि कौड़ियों के भाव फोर लेन में न चली जाए। संघर्ष समिति ने हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन में भूमि अधिकरण एक्ट 2013 की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। फोर लेन विस्थापितों और प्रभावितों को मार्केट रेट की बजाय सर्कल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं प्रभावितों को चार गुना की जगह केवल दो गुना ही मुआवजा दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष एवं प्रभावित लोगों का कहना है कि फोर लेन विस्थापित लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतना मुआवजा तो उन्हें मिले कि वे किसी दूसरे स्थान पर जाकर अपना आशियाना बसा सके। मांगों को लेकर विस्थापित 23 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दुर्भाग्य है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज का काम जो शुरू है हिमाचल में, खास करके मंडी और कुल्लू जिला में, वहाँ पर गैर संवैधानिक तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इस कानून को जो है बहुत बुरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि इस कानून की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, और ये हत्या सिर्फ कानून की नहीं है, उस किसान की है, उसके परिवारों की है और उन तमाम प्रभावित लोगों की है जिनको इस कानून ने आज सड़क पर खड़ा कर दिया है। वहीं अधिवक्ता महेंद्र ठाकुर ने कहा कि फोर लेन में भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फोर लेन में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लोगों को अभी तक अंधेरे में रखा जा रहा है। हमें मुआवजा और पुनर्वासन पुनर्स्थापन जो है कानून के तहत दिया जाए। हम कानून के बाहर नहीं जा रहे हैं। जो लैंड एक्ट 2013 का है उसी के आधार पर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कानून, हम उस प्रकार के उस समय की केंद्रीय सरकार, कांग्रेस की केंद्रीय सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कानून जो है हमको दिया हुआ है, क्योंकि उससे पहले 1894 का कानून चलता रहा जो अंग्रेज़ों के समय का कानून था। लेकिन उस कानून में भी एक प्रावधान था, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसमें न्यायालय जाने का प्रावधान था और लोगों को उचित मुआवजा जो है न्यायालय से भी पहले दिलवाए गए हैं। लेकिन इस कानून में जब हमको दो गुना मिल रहा है, जो सर्कल रेट के आधार पर मिल रहा है, दो गुना मिल रहा, तो उसमें जो है न्यायालय की प्रक्रिया जो है वो भविष्य में नहीं रखी गई है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।